Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. शहजादा चार्ल्स और उनके अहलिया कैमला अगले माह कनाडा का दौरा करेंगे। माजी में वो तमाम 10 सूबों और 3 इलाकों का दौरा कर चुके हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का कनाडा का पहला सरकारी दौरा 1970 में हुआ था। टोरंटो में 2021 में एशियाई मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम में मुसलसल इजाफा। टोरंटो पुलिस की जानिब से आदादोशुमार जारी कर दिए गए। 2021 में कुल 257 नफरत अंगेज वाकयात रिपोर्ट किए गए। टोरंटो में यूनियन स्टेशन पर मुलाजमीन की हड़ताल, गो बस सर्विस चौथे रोज भी मुतासर रही। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। कराची धमाके में मुलविस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। चीन की वजारत खारजा ने मुतासर खानदानों से अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया। अक़वामे मुत्तहिदा के सरबराह रूस पहुंच गए। यूक्रेन में जंग बंदी का मुतालबा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के सरबराह ने यूक्रेन के न्यूट्रल हैसियत का मुतालबा किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इकोफ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की? तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड With Allstate. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल स्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए। और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर रابطہ कीजिए। टैक टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। वेलकम बैक। शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कैमला अगले माह बरतानवी तख्त पर मलका एलिजाबेथ की 70वीं सालगिरह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर कनाडा का दौरा करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कैमला अगले माह बरतानवी तख्त पर मलका एलिजाबेथ की 70वीं सालगिरह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर कनाडा का दौरा करेंगे। कैनेडियन हुकूमत की दावत पर और मलका की प्लैटिनियम जुबली की तकरीबात के मौके पर प्रिंस ऑफ वेल्स और डिचेस ऑफ कॉर्नवॉल 17 से 19 मई 2022 तक कनाडा का दौरा करेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स का कनाडा का पहला सरकारी दौरा 1970 में हुआ था और ये दौरा 19वीं मरतबा होगा कि वो मुल्क का दौरा कर चुके हैं। माजी में वो तमाम 10 सूबों और 3 इलाकों का दौरा कर चुके हैं। ये डिचेस ऑफ कॉर्नवॉल का 5वां सरकारी दौरा होगा। इसकी रॉयल हाइनेस का कनाडा का पहला दौरा एक दहाई से ज्यादा पहले नवंबर 2009 में था। क्लेरेंस हाउस ने एक बयान में कहा, प्रिंस ऑफ वेल्स का तवील अरसे से ये मानना है कि हमें दुनिया भर के मकामी लोगों से सीखने की जरूरत है कि हमें फितरत और कुर्रे अर्ज की किस कदर बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए। कनाडा मौसमियाती तब्दीली के असरात को देख रहा है और इसलिए ये टूर कनाडा में मकामी लोगों से सीखने पर जोर देने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के साथ ज़िंदगी गुजारने का ज़्यादा पायदार तरीका तलाश करने के लिए कारोबारी इदारों के साथ काम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एडवर्ड और उनकी अहलिया के साथ इस वक्त कैरेबियन ममालिक का दौरा करने वाले बरतानवी शाही ख़ानदान के अरकान 14 दीगर शोबों में दौरा कर रहे हैं, जिनमें मलिका एलिजाबेथ अपनी प्लैटिनियम जुबली को बादशाह के तौर पर मनाने के लिए उनकी सरबराह मुमलिकत है। टोरंटो पुलिस के मुताबिक शहर में कोविड वबा के बाद साल 2021 में एशियाई मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम में मुसलसल इजाफा देखने में आया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
टोरंटो पुलिस के नए आदाद व शुमार से पता चलता है कि 2 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान एशियाई मुखालिफ नफरत अंगेज जराइम में मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन एक वकील का कहना है कि ये तादाद बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं है। टोरंटो पुलिस सर्विस की पीर को जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर में एशियाई सियाह पाम और मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के खिलाफ नफरत अंगेज जबानी धमकियों, जिस्मानी हमलों और तोड़ फोड़ के वाक़ात में एक और साल इजाफा देखने में आया। 2021 में कुल 257 नफरत अंगेज वाक़ात पुलिस को रिपोर्ट किए गए, जो 2020 में रिपोर्ट किए गए 210 से 22% ज़ायद हैं। इंसानी हकूक़ के रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस की तरफ से की गई रिपोर्टिंग दरअसल ये बताई है कि इस मसले के हवाले से अभी तक कम रिपोर्टिंग हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में रिपोर्ट होने वाले नफरत अंगेज जराइम का मजमू तौर पर सबसे आम महरिक मजहबी शनाख्त नस्ली या कौमियत के तौर पर था। आदाद व शुमार से पता चलता है कि मशरकी और जुनूब मशरकी एशियाई कम्यूनिटीज़ नस्ली या कौमी नस्ल के जमरे में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ग्रुप थे। टोरंटो के यूनियन स्टेशन पर हड़ताल के बाद गो बस सर्विस चौथे रोज भी मुतासर रही। 95 सिग्नल्स और कम्युनिकेशन वर्कर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते काम छोड़ दिया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के यूनियन स्टेशन पर हड़ताल के बाद गो बस सर्विस चौथे रोज भी मुतासर रही। 95 सिग्नल्स और कम्युनिकेशन वर्कर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते काम छोड़ दिया था। गो बसों को मुसलसल चौथे दिन टोरंटो के यूनियन स्टेशन से दूसरे ट्रांजिट हब की तरफ मोड़ा जा रहा है, जो कि जारी लेबर एक्शन की वजह से है। यूनियन और टोरंटो टर्मिनल्स रेलवे के दरमियान माहदे तक पहुंचने में नाकामी के बाद इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद के साथ 95 कारकुनों ने गुज़िश्ता बुध को मुलाजमत छोड़ दी थी। हड़ताल करने वाले मुलाजमीन सिग्नल्स और कम्युनिकेशन वर्कर्स के साथ साथ कनाडा के मसरूफ तरीन ट्रांजिट हब में ट्रेन की नकलो हरकत के डायरेक्टर हैं। ट्रांजिट एजेंसी मेट्रोलिंक्स के तर्जुमान का कहना है कि मुजाहरीन जमा हुए और टर्मिनल तक गो बसों की रसाई को महदूद कर दिया। वो कहती हैं कि मुजाहरे से ट्रेन सर्विस मुतासर नहीं हो रही है। मेट्रोलिंक्स, जो गो ट्रांजिट चलाता है, ने कहा है कि कारकुनों ने हफ्ते की दोपहर एहतजाज शुरू किया और थोड़ी देर बाद वहाँ से चले गए, लेकिन फिर शाम को वापस आए जब लोग टोरंटो रैप्टर्स गेम से घर जा रहे थे। मेट्रोलिंक्स ने कहा कि रुकावट ने हजारों ट्रांजिट सवारों और सैकड़ों बसों को मुतासर किया। यूनियन ने कहा है कि उसके यूनियन स्टेशन के मुलाजमीन बेताबी से एक काबिल कदर बातचीत के तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो अपने अहदों पर वापस आ सकें और हर रोज गो ट्रेनें, रेल ट्रेनें और यूनियन पियर्सन एक्सप्रेस चलाना जारी रखें। मजदूर दिसंबर 2019 से नए मुहाइदे के बगैर हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। चीनी शहरियों का खून रायगां नहीं जाना चाहिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीन का कहना है कि जामिया कराची धमाके में मुलविस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में जामिया कराची धमाके में हलाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को कीमत चुकाना पड़ेगी। चीनी शहरियों का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। तर्जुमान का मजीद कहना था कि चीन के असिस्टेंट वजीर खारजा ने चीन में पाकिस्तान के सफीर को हंगामी फोन कॉल में कराची धमाके पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए धमाके में मुलविस दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी और पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएं। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी जामिया कराची धमाके की मज़म्मत करते हुए हलाक अफराद के लवाहकीन से हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। अक्वामे मुत्तहदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए रूस पहुँच गए, जहाँ वज़ीरे ख़ारजा से मुलाकात में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए रूस पहुँच गए, जहाँ वज़ीरे ख़ारजा से मुलाकात में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अक्वामे मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस मुख्तसर दौरे पर वक्त के हमराह रूस पहुँच गए, जहां वो सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। अक्वामे मुत्तहदा के जनरल सेक्रेटरी का इस्तकबाल रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने किया। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान यूक्रेन में जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगु की। एंटोनियो गुतरेस ने रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ से यूक्रेन में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने यूक्रेन के
न्यूट्रल हैसियत का मुतालबा किया। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रूस का दौरा अभी जारी है और वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद जुमेरात को यूक्रेन जाएंगे और सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज़ बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।